हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2021 का जो मेडिकल का एग्जाम चल रहा है दोस्तों, उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट 2018 की वैकेंसी का है जिसमें 181 पोस्ट निकला था पूरे, उसमें एसआई और एएसआई और हेड कांस्टेबल सभी का पोस्ट था दोस्तों। उसी का जो है कि एग्जाम और टाइपिंग के बाद अब मेडिकल का जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आया है, और इस समय सभी कैंडिडेट का 9 तारीख से जो है कि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है दोस्तों। उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें किस तरह से मेडिकल लिया जा रहा है। और दोस्तों, इस पर हमने एक पिछला वीडियो बना के डाल दिया गया है, पिछली वीडियो में आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि उसमें हाइट वेस्ट चेस्ट किस तरह से मेजर किया जा रहा है, हमने इसके बारे में डिटेल में बताया है उस वीडियो में। तो दोस्तों, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, पहले नंबर पर तो हाइट आती है दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने मेल की हाइट बताई थी, फीमेल की हाइट नहीं बताई थी। तो यहाँ पे जो फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके हाइट क्या होनी चाहिए, वेट के हाइट के हिसाब से वेट उनका कितना होना चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की हाइट 150 से 155 सेंटीमीटर है तो इनका वेट होना चाहिए 40 से 50 केजी के बीच में। और अगर मेल कैंडिडेट है उसका जो है कि हाइट है 165 से 170 सेंटीमीटर तो उसका वेट होना चाहिए 52 से 60 किलोग्राम के बीच में। दोस्तों, अगर आपका जो वेट है इस रेंज में आता है तब तो ठीक है, अगर इससे अगर ज़्यादा आपका वेट आता है या कम आता है तो आप ओवर वेट या लो वेट करके बाहर कर दिए जाओगे और आपको फिर से मेडिकल जो है कि देने का एक मौका चांस दिया जाता है, तो आप उसमें किसी तरह बच सकते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो है हाइट के बाद हमारा जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में नॉकनी चेक होता है घुटना। दोस्तों, बहुत से लोगों का जो है कि घुटना पैर सटाने के बाद जैसे नीचे से ऊपर तक पूरा सट जाता है, तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको नॉकनी में बाहर कर दिया जाएगा। फिर दोस्तों, आपको जैसे तीसरे नंबर पर आता है फ्लैट फुट। दोस्तों, फ्लैट फुट क्या होता है, अगर आप जो है कि बिना चप्पल के आप जमीन पर खड़े हो जाते हैं और आपका जो तलवा होता है पूरी तरह से यानी कि तलवा सपाट हो तो आपको नौकनी जो है फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो आप यहाँ से भी बाहर हो सकते हो। फिर दोस्तों आता है इसके बाद आई साइट। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई साइट। दोस्तों, इस मेडिकल में आई जो है कि आपकी 6x6 होनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों आपका आई इस तरह से टेस्ट किया जाता है कि मेडिकल एग्जामिनर कुछ दूर पर आपको कुछ जैसे कि किसी पेपर में नंबर देता है पढ़ने के लिए, आपको कुछ दूर पर बैठा दिया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है कि उस नंबर में जैसे कि ABCD इस तरह से छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते हैं, आपको जैसे दूर से पूछा जाता है कि ये कौन सा अक्षर है तो आपको आपको वो बताना रहता है। तो आपको इस तरह से आई का टेस्ट किया जाता है। फिर दोस्तों, इसके बाद आता है ईयर यानी हमारे कान का भी बहुत अच्छी तरह से टेस्ट होता है वहाँ पे। दोस्तों, आपके कान में जो है वैक्स नहीं होने चाहिए, आपका जो है कि कान वैक्स से यानी वैक्स से साफ होना चाहिए। और आपके ईयर का भी टेस्ट किया जाता है कि आप किस तरह से सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ईयर का भी मेडिकल होता है। और फिर दोस्तों, इसके बाद आता है टैटू। दोस्तों, बहुत से लोग जो है कि टैटू बनवा के जाते हैं, तो दोस्तों गवर्नमेंट सर्विस में टैटू अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर आप टैटू बनवाते हैं तो इससे जो है कि ये साबित होता है कि आप जो है कि अपने काम में लापरवाही करेंगे, इसीलिए गवर्नमेंट सर्विस में जो है टैटू अलाउ नहीं किया जाता। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। SSB हेड कांस्टेबल से रिलेटेड सभी तरह की वीडियो यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।